Assalamualaikum everyone, this is Usma and welcome back to my channel. आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ग्रीन टी फेस मास्क, जो कि है प्लम ग्रीन टी फेस मास्क. और आज उस प्रोडक्ट का होममेड मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्लम ग्रीन टी फेस मास्क आप घर पर किस तरीके से बना सकते हो. इसकी रिक्वेस्ट मुझे काफी दिनों से आ रही थी, सो फाइनली मैं वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ. इस प्रोडक्ट में बेंटोनाइट क्ले का यूज किया गया है, जो कि एक बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है आपकी स्किन से ऑयल को एब्जॉर्ब करने के लिए और साथ ही साथ आपके पिंपल्स जैसे इशू को दूर करने के लिए. साथ ही साथ इसमें ग्रीन टी का भी यूज किया गया है, जो कि आपके स्किन के लिए ही नहीं बल्कि ऑल स्किन टाइप्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है हम वो किस तरीके से घर पर ही बना सकते हैं, रेडी कर सकते हैं. लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट जरूर कर देना, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके. लाइक एंड शेयर करना मत भूलना. सो लेट्स बिगिन. तो यहाँ जो मेरी फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है कॉलिन क्ले, और मैं यहाँ पे वही सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कर रही हूँ जो कि आपको प्लम ग्रीन टी फेस मास्क में मिलेगा. ये जो कॉलिन क्ले है वो आपको कोई भी मेडिकल शॉप में इजीली अवेलेबल मिलेगा. ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी सही होता है, साथ ही साथ ये आपकी स्किन को डिटॉक्स करता है. इस कॉलिन क्ले से आपके पोर्स के इम्प्योरिटीज भी अच्छी तरीके से रिमूव होते हैं. सो 1 टेबल स्पून ऐड कर दो कॉलिन क्ले. तो यहाँ मैंने ले लिया है बेंटोनाइट क्ले. ये आपको कोई भी मेडिकल शॉप में इजीली अवेलेबल मिलेगा. ये मुल्तानी मिट्टी की ही तरह होता है, जो कि आपके स्किन से एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, एक्सेस सीबम को बहुत अच्छी तरीके से रिमूव करता है. अगर आपको एक्जिमा या रेडनेस जैसी प्रॉब्लम है या फिर बहुत दिनों से अगर आपको स्पॉट्स जैसी प्रॉब्लम है तो इसका यूज जरूर करो. यहाँ मैं 1 टेबल स्पून बेंटोनाइट क्ले ले रही हूँ. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यहाँ डाल रही हूँ जैगरी. जैगरी इसीलिए क्योंकि जो प्लम ग्रीन टी में इंग्रेडिएंट डाली गई है वो है ग्लाइकोलिक एसिड, और जैगरी मींस गुड़ में आपके ग्लाइकोलिक एसिड बहुत ज्यादा होती है. ऐड कर दो 1 टीस्पून जैगरी. जैगरी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. ये रिड्यूस करता है फाइन लाइंस को, एज स्पॉट्स को सही करता है, रिंकल्स को दूर करता है, एक्ने स्कार्स जैसी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है. ये आपके स्किन में हुई डिसकलरेशन को भी रिमूव करके एक फेयरर स्किन टोन प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इसकी मेन इंग्रेडिएंट है वो है ग्रीन टी, जो कि मैं ऑलरेडी बनाकर यहाँ रख चुकी हूँ. अब इस ग्रीन टी को मैं इतना मिक्स करूंगी जिससे कि ये जो मिक्सचर है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और एक फाइन पेस्ट रेडी हो जाए. इसमें बहुत तरीके के ऐसे प्रॉपर्टीज होती है जो स्किन के लिए बेहद बेनिफिशियल होती है. लेकिन अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि इसमें हाई अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि फ्री रेडिकल्स को भी दूर करता है. ग्रीन टी ऑल स्किन टाइप्स के लिए अच्छा होता है, स्पेशली एक्ने प्रोन स्किन, पिंपल्स वाली स्किन और ऑयली स्किन के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा. अच्छा, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है और आप ये फेस मास्क अप्लाई करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ बेंटोनाइट क्ले आप इससे स्किप कर देना, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स आपके लिए सेफ है. आप वीक में 2 डेज अप्लाई करो, क्योंकि ये क्ले मास्क है इसीलिए आप सिर्फ 15 मिनट से अप्लाई करके रखना. जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो फेस को वॉश कर लीजिए ठंडे पानी से. सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे और भी वीडियोस के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. खुदा हाफिज़.